अमेज़न के वर्षावन धरती का सबसे बड़ा जंगल है। इसका आकार इतना बड़ा है कि यह पूरे 8 देशों में फैला हुआ है। यहाँ के पेड़ इतने बड़े और घने हैं, जिससे सूरज का प्रकाश यहाँ की जमीन तक नहीं पहुँच पाता। यहाँ हमेशा लोगों को ऐसी चीजें मिलती रहती है जो वाकई में विचित्र है। यह जंगल हमारी पृथ्वी के फेफड़े हैं। पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन अमेज़न के जंगल से आता है। अमेज़न के जंगल में सबसे ज्यादा प्रजाति के जीव जंतु पाए जाते हैं। यह प्राकृतिक सुंदरता के साथ काफी खतरनाक और रहस्यमय भी है। यह साउथ अमेरिका में लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह वर्षावन बेहद विशाल और प्राकृतिक खूबियों से भरपूर है। प्राकृतिक सुंदरता से भरा यह जंगल धरती के वातावरण को स्वच्छ और संतुलित बनाए रखने का काम करता है। आज हम आपको अमेज़न जंगल के रहस्यों के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बड़े सांप। वैसे तो दुनिया भर में बड़े बड़े सांपों को देखने का दावा किया जाता है, लेकिन अमेज़न जंगल में सबसे बड़े सांप मौजूद है जिन्हें लोगों ने देखा है। अमेज़न जंगल के आदिवासियों की माने तो यहाँ विशालकाय सांपों का होना आम बात है। वैज्ञानिकों के अनुसार एनाकोंडा सांप 30 फीट तक के हो सकते हैं। बहुत से खोजकर्ताओं ने अमेज़न जंगल में शोध करते हुए अपना जीवन बिता दिया। उन्होंने साल 1906 में एक अभियान के दौरान 62 फीट लंबा एनाकोंडा देखा था और उस पर गोली चलाई थी। खोज के दौरान उन्होंने 70 फीट लंबा एनाकोंडा देखने का दावा भी किया था। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कई ऐसे रहस्यमय जीव देखे जो चौंका देने वाले थे। साल 1992 में एक पादरी को 75 फीट लंबा सांप दिखा था। अमेरिका में रहने वाले वैज्ञानिकों का मानना है कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप टाइटनोबोआ आज भी अमेज़न जंगल में जिंदा हो सकता है। आदिवासी जनजातियाँ। अमेज़न जंगल में आज भी विभिन्न प्रकार की आदिवासी जनजातियाँ पाई जाती है। किनारे पर रहने वाली जनजातियों का संपर्क बाहरी दुनिया से होता रहता है, लेकिन कुछ जनजातियाँ जंगल के अंदर रहती है, जिसके कारण इन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा है। यह आदिवासी लोगों पर हमला भी कर देते हैं। अपनी बस्तियों के आसपास यहाँ लोगों का आना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। यहाँ एक ऐसी जनजाति भी रहती है जिसके सदस्य काफी लंबे हैं और इनकी आंखें नीली होती है। आदमखोर पौधे। अमेज़न के जंगल में पेड़ पौधों की हजारों प्रजातियाँ पाई जाती है, जिसमें से ज्यादातर प्रजातियों के बारे में हम नहीं जानते हैं। इस जंगल में हर साल हजारों लोग खो जाते हैं जो कभी वापस नहीं लौटते, जिसमें से कुछ लोग खोजी दल द्वारा बचा लिए जाते हैं। वापस आकर वह ऐसी कहानियां बताते हैं जिसे सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। लोगों का कहना है इस जंगल में आदमखोर पेड़ मौजूद है जो इंसानों को अपना शिकार बनाते हैं। जंगल के अंदर ऐसे विशालकाय खतरनाक पेड़ है। कई मछुआरों ने ऐसे पेड़ों को देखा है। कुछ लोगों का यह भी मानना है आदिवासी जनजातियां इंसानों को पकड़कर शिकार बनाकर उनकी बलि चढ़ा देती है। कई लोगों ने बड़ी मकड़ियों को इंसानों का शिकार करते हुए देखने का दावा भी किया है। मैरीकोक्सी। आपने महामानव और यति के बारे में सुना ही होगा, उसी प्रकार दक्षिण अमेरिका में अमेज़न के जंगलों में मैरीकोक्सी को देखने के किस्से मौजूद है। यह आधा इंसान और आधा वानर जैसा जीव है। इसकी लंबाई 12 फीट होती है। यह काफी बुद्धिमान माने जाते हैं। इनके पास धनुष तीर होते हैं। यह एक साथ गांव बनाकर रहते हैं। जब ब्रिटिश शोधकर्ता फेसिट दक्षिण अमेरिका के जंगलों को मैप कर रहे थे, तभी उनके सामने मैरीकोक्सी आ गया था। फेसिट ने बताया यह जीव मकसूबी ड्राइव के उत्तर की ओर रहते हैं। जब फेसिट की टीम इनकी बस्ती के पास पहुंची तो उन्होंने हमला कर दिया था। जमीन में गोलियां चलाने से वह लोग डरकर भाग गए। आज तक मैरीकोक्सी के रहस्यों का पता नहीं चल पाया है। उबलती नदी। इस जंगल में एक उबलती हुई नदी है जो अपने पास आने वाली हर चीज को नष्ट कर देती है। किसी को नहीं पता इसका पानी उबलता कैसे है। इस नदी के पानी का तापमान 93 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऐसा माना जाता है एक ड्रिलिंग कंपनी ने यहाँ मौजूद जियोथर्मल सिस्टम को गलती से छोड़ दिया था, जिसकी वजह से जमीन में उपस्थित गैस नदी में मिल गई, जिस कारण यह पानी इतना गर्म रहता है। एलियंस। अमेज़न जंगल में एलियन और यूएफओ को देखे जाने की घटनाएं आम बात है। कई लोगों ने इस जंगल में एलियन को देखा है। यह विशाल जंगल दूसरी दुनिया के लोगों के छिपने के लिए आदर्श स्थान भी हो सकते हैं। सन 2016 में एक अमेरिकी व्यक्ति ने गूगल अर्थ की मदद से अमेज़न के जंगल में सिगार के आकार की एक चीज देखी थी। यह जंगल के अलग अलग हिस्सों में छिपी हुई है। अमेरिकन यूएफओ रिसर्च टीम के मुताबिक इन जंगलों में कोई टावर या ऐसी चीज नहीं है जो सिगार की तरह दिखती हो, तो फिर तस्वीर की यह अजीब सी आकृति आखिर क्या है। 2011 में दो ब्रिटिश पर्यटक ब्राजील घूमने आए थे।
अमेजन के जंगलों में उन्होंने ऐसी तस्वीरें ली जिसे देखकर सब हैरान रह गए। इस तस्वीर में एलियन जैसी आकृति को साफ साफ जंगल में खड़ा हुआ देखा जा सकता है और इसके पीछे एक रोशनी का गोला भी मौजूद है। लॉस्ट सिटी ऑफ जी पेसिफोसिट, जिन्होंने 62 और 70 फीट के एनाकोंडा को देखने का दावा किया था, उनका जन्म ब्रिटेन में हुआ था। इनका मानना था कि अमेजन के जंगल में विकसित प्राचीन शहर छुपा हुआ है जिसके घर चांदी और सोने में बने हुए हैं। उन्होंने उस शहर की खोज सालों तक की थी। इसी शहर की खोज में उन्होंने कई प्रकार के जीवों को देखा और कबीलों से मिले भी थे। सालों तक खोज करने के बाद उन्हें लगा उन्हें उस शहर का पता चल गया है जिसे सिटी ऑफ जी कहते हैं। उन्हें रियो सिटी की लाइब्रेरी में एक दस्तावेज मिला जो सैकड़ों साल पुराना था और उसे एक पुर्तगाली खोजकर्ता द्वारा लिखा गया था। उसने लिखा था, उसने जंगल के बीचों बीच चांदी की दीवार और सोने की छत वाला शहर देखा है। फोसिट ने जैसे ही पढ़ा वह खोज के लिए निकल गए। वह अपने बेटे, उसके दोस्त और दो ब्राजीलियन मजदूरों के साथ बंदूकों और सेफ्टी के साथ उस शहर की खोज में निकल पड़े। उन्होंने 5 महीने बाद अपनी पत्नी को पत्र लिखा और लोकल व्यक्ति की मदद से भेज दिया। पत्र में लिखा था वह शहर के बेहद करीब है और जल्दी ही पहुंचने वाले हैं। फिर उसके बाद उन सभी लोगों का कहीं पता नहीं चला। उन्हें ढूंढने के लिए 200 से ज्यादा लोग गए लेकिन वह भी लौटकर वापस नहीं आए। उन सभी लोगों का क्या हुआ, यह आज तक एक रहस्य है। क्या उन्हें वह शहर मिल गया और वह वहीं रहने लगे या फिर वह किसी विशालकाय जीव का शिकार हो गए थे।